अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनएन 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं नूर कोकर। ब्रिटेन में खबर शामिल करते हैं लकीम रावत से। पहाड़ खेल थर के करीब हादसा। सराय नुरंग बनू की तरफ जाने वाली मुर्गियों से भरी पिकअप ने अजान मगरिब के वक्त पहाड़ खेल थर के करीब मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में एक खातून, एक नौजवान उम्र 16 साल और एक बच्ची उम्र 6 साल जामवा पूरे। एक बच्चा उम्र 1 साल से कम और गंडी खाना खेल से तलक रखने वाला 30 साल नौजवान जो मोटरसाइकिल चला रहा था, ये तमाम लोग एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे थे कि हादसे का शिकार हो गए। इस सिलसिले में लकीम रावत पुलिस और दीगर अफराद आवाम से गुजारिश है कि वो इस पिकअप की निशानदेही में अपना किरदार अदा करें। जिला ठट्ठा गारों के करीब गांव में तमाम हिंदू बरादरी पंचायत आल पाकिस्तान रजिस्टर्ड हो गई। जिला ठट्ठा गारों आज घरों के करीब गांव अब्दुल सत्तार शेख में आल पाकिस्तान हिंदू पंचायत रजिस्ट्रार्ड आधार फाउंडेशन नेशनल अल्फला वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान की जानिब से एक रोज फ्री मेडिकल कैंप का इनकार किया गया। मेडिकल कैंप में कराची के मशहूर मरीज डॉक्टर ने मेडिकल कैंप में 126 गरीबों मस्तकीन मरीजों का इलाज किया और कैंप में मुफ्त अद्वियात मुहैया की। मेडिकल कैंप का मकसद हालिया दिनों में मलेरिया टाइफाइड जैसी मर्ज से गाँव में रहने वाले गरीब आवाम को रिलीफ फराहम करना है। कैंप में मुख्तलिफ बीमारियों की तशखीस भी की गई और इनकी अद्वियात दी गई। इस मौके पर आल पाकिस्तान हिंदू पंचायत रजिस्ट्रार के चेयरमैन शंकर लाल वधवानी ने कहा कि हम खिदमत खलक बनाकर किसी रंग नस्ल जात पात के करते हैं। चेयरमैन टैलेंट प्रमोटर्स ग्रुप ऑफ पाकिस्तान आजाद कश्मीर राजा महमूद साहब ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इससे कश्मकश महंगाई में इन देहातों में मेडिकल कैंप लगाकर एक मसीहा किरदार अदा किया है। सोशल वर्कर अब्दुल सितार और गाँव वालों ने मेडिकल कैंप लगाने के लिए शुक्रिया अदा किया। इस्लामाबाद के मुख्य सेक्टर्स में पेट्रोलिंग से सिटी की स्मार्ट कार्रवाइयाँ। इस्लामाबाद के मुख्य सेक्टर्स में पेट्रोलिंग और इमरजेंसी रिस्पांस के लिए सेफ सिटी की स्मार्ट कार्रवाइयों में जदीद टेक्नोलॉजी के हामल कैमरा जात लगाए गए। स्मार्ट कार्स के मूल खसूसियात की हामिल है और कैसे जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों में मुअसर साबित हो रही है। सियालकोट सुन्नी एक्शन के जेर एहतमाम मुश्तरक अजलास का इंकार किया गया। मजीद अपडेट कर रहे हैं ऐसे फ्राजाना जी, अपडेट कीजिएगा। सुन्नी एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम तमाम तंजीमात अहले सुन्नत जिला सियालकोट के मुश्तरक अजलास में शुरका ने किंजल दलाल डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद मुख्तार अली हैदरी के मौकफ की भरपूर हमायत का ऐलान कर दिया। अजलास में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सिरात मुस्तकीम, खत्म नबूवत फाउंडेशन पाकिस्तान, सुन्नी दफाए खत्म नबूवत मूवमेंट पाकिस्तान, आस्तान आलिया कादरिया गौसिया कुबे चक शरीफ सियालकोट व जुमला तंजीमात अहले सुन्नत और दीगर जुम्मादारान कारकुनान ने भरपूर शिरकत की, जबकि इजलास में खिताब करने वाले शुरका ने किंजल दलाल डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद मुख्तार अली हैदरी के मौकफ की भरपूर हमायत का ऐलान किया और इजलास के अख्ताम पर डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद मुख्तार अली हैदरी की कामयाबी, मुल्क व कौम की सलामती और मजलूम फलस्तीन की आज़ादी के लिए दुआ भी की गई। जी मुजफ्फरगढ़ चौक गदर के करीब आयल टैंकी की मोटरसाइकिल को टक्कर। मुजफ्फरगढ़ चौक गदर के करीब आयल टैंकी की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर। मुजफ्फरगढ़ कालर के मुताबिक एक शख्स मौके पर जाम फंस गया जबकि दूसरा जख्मी। मुजफ्फरगढ़ कालर के मुताबिक आयल टैंकी में 30,000 लीटर मोबाइल लोड था। मुजफ्फरगढ़ कालर के मुताबिक आयल टैंकी कराची से मुल्तान जा रही थी। रेस्क्यू 112 स्टेशन मुजफ्फरगढ़ से फायर व्हीकल जबकि नजदीकी प्वाइंट पर बसेरा से एम्बुलेंस जाए हादसा पर रवाना। जिला शहीद नजीराबाद के D1 के इम्तहानात के लिए 600 से ज्यादा पुलिस कांस्टेबल और 30 से ज्यादा लेडी कांस्टेबल के इम्तहान के लिए इनकार किया गया। जिला शहीद नजीराबाद के D1 के इम्तहान के लिए 600 से ज्यादा पुलिस कांस्टेबल और 30 से ज्यादा लेडी पुलिस कांस्टेबल के अगले दर्जे में तरक्की पाने के लिए टर्न आउट पीरियड के इम्तहान का इनकार। SSP शहीद नजीराबाद जनाब हैदर रजा साहब के अहकाम पर जिला 16 नवम्बर को पुलिस हेडक्वार्टर शहीद नजीराबाद में DSP लीगर मोहम्मद उमर शेख साहब सरबराही में D1 के इम्तहान के लिए 600 से ज्यादा पुलिस कांस्टेबल और 30 से ज्यादा लेडीज पुलिस कांस्टेबल इम्तहान के लिए अगले दर्जे में तरक्की पाने के लिए टर्न आउट और पीरियड का इम्तहान दिया। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल शक्करगढ़ में कॉन्फ्रेंस का अजलास। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल में शक्करगढ़ में होरखा 16/11/2023 को स्कूल कॉन्फ्रेंस का अजलास प्रिंसिपल स्कूल हाजा और चेयरमैन स्कूल काउंसिल जनाब नजीर अहमद की सरबराही में मुनक्किद हुआ, जिसमें स्कूल काउंसिल के मेंबरान ने शिरकत की। स्कूल के टीचरों ने अपनी मदद आपके तहत स्कूल बनाने में शानदार किरदार अदा किया। स्कूल टीचर्स और शहरियों ने अहम किरदार अदा किया। उस्तादा की रहनुमाई में तलबा ने हर क्लास रूम में मॉडल और एल्युमिनियम फ्लेक्सीज अवेज करवा के शानदार तासर को मजीद नुमाया किया। खूबसूरत बगीचे बनाए गए, फूलदार पौधों से माहौल
तौर पर खुशबूदार बनाने के अलावा सर ताजगी के लिए मुतद्दद पौधे उगाए। उनकी आला सरदार में ये बात भी अहम है कि पुराने प्रिंसिपल ऑफिस की डिजाइन पर काफी खर्च किया जा रहा है। इस ऑफिस के साथ कई सरबराहान की याद ताजा होती है और दुनिया के पानी होने का एहसास उभरता है। शहर इकबाल प्रोफेशनल प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ग्रुप पर साल 2024 की बॉडी मुकम्मल। शहर इकबाल प्रोफेशनल प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ग्रुप साल 2024 की बॉडी मुकम्मल। सदर राना नवीद रजा और मरकजी चेयरमैन राना महमूद अहमद जनरल सेक्रेटरी चौधरी उस्मान गुद्दर मुंशी सियालकोट प्रोफेशनल प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ग्रुप पर सियालकोट का मशवराती अजलास हुआ, जिसमें सरप्रस्त आला मोहम्मद जमील चौधरी जेर निगरानी नसीर घुम्मन बामी मशवरात से इलेक्शन 2024 की बॉडी मुकम्मल कर दी गई, जिसमें राना नवीद रजा को सदर राना महमूद अहमद को मरकजी चेयरमैन चौधरी उस्मान गुज्जर को जनरल सेक्रेटरी मुंशी किया गया। इसके अलावा अवैस हाशमी को चेयरमैन, मोहम्मद इमरान वाइस चेयरमैन, अवल मिर्जा बाबर बेग को सीनियर वाइस चेयरमैन, सूफी मोहम्मद गुस्सा को वाइस चेयरमैन, मलक एहसान अली को फाइनेंस सेक्रेटरी, मोहम्मद जावेद को इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, राना नदीम चेयरमैन मजलिस आमला, लाला मुबशर एडवोकेट राबता सेक्रेटरी, डीपीओ डीसी ऑफिस मुंतखब कर दिया गया। मुसलमान हुक्मरान करारदाद नहीं करदार पेश करें। करारदाद नहीं करदार पेश करें, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने उनके वक्त के कदम में फलस्तीनी रहनुमा से मुलाकात। डॉक्टर नासर हमदानी की क्यादत में वक्त ने भरपूर इजहार यकजहती का पैगाम दिया और पाकिस्तानी अवाम की जानिब से पैगाम दिया कि हम आजादी फलस्तीन तक आपके साथ हैं। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि मुसलमान हुक्मरान करारदादों की बजाय करदार पेश करें।